हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आईपीएल 2020 के पहले मैच के दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली इस मैच में, मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की। दोनों ही टीमों में काफ़ी बड़े बदलाव हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस में मलिंगा बाहर हो चुके हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में सुरेश रैना, हरभजन सिंह ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो इस साल मौजूद नहीं रहेंगे। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 एकदम डिफरेंस होने वाली है। तो प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 विदाउट मलिंगा। सबसे पहले नंबर पर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। 3 नंबर पे क्रिस लिन रहने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर केकेआर के लिए खेले थे। 4 नंबर पे सूर्यकुमार यादव, 5 नंबर पे केरन पोलार्ड और 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं जो ऑलराउंडर हैं। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। 7 नंबर की बात करें तो कृणाल पांड्या, 8 नंबर पे राहुल चहर जो बॉलर काफ़ी खतरनाक है, 9 नंबर पे धवल कुलकर्णी, 10 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट और 11 नंबर पे जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 जो इस साल सारे आईपीएल के मैच इस प्लेइंग 11 के साथ खेलने वाली है। बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में जो इस साल सुरेश रैना और हरभजन सिंह के बगैर रहने वाली है। नंबर 1 पे शेन वाटसन, नंबर 2 पे अंबाती रायडू और नंबर 3 पे फैब डू प्लेसिस, ये तीनों खिलाड़ियों में से 2 ओपन करने वाले हैं। 4 नंबर पे केदार जाधव जो ऑलराउंडर है। 5 नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई सुपर किंग्स से कैप्टन हैं। 6 नंबर की बात करें तो डीजे ब्रावो रहने वाले हैं। डीजे ब्रावो 2 बार आईपीएल में पर्पल कैप जीत चुके हैं। 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर हैं। 8 नंबर पे पीयूष चावला जो इस साल चेन्नई सुपर किंग ने उनको लगभग 6 करोड़ में खरीदा है। 9 नंबर पे इमरान ताहिर, 10 नंबर पे दीपक चहर और 11 नंबर पे शार्दुल ठाकुर रहने वाले हैं। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर पार्ट टाइम अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अगर जिस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो दूसरे खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर इस साल हैं। मुंबई इंडियंस 4 बार की चैंपियन है और जबकि चेन्नई सुपर किंग 3 बार की चैंपियन है। आई फ्रेंड्स, ये दोनों ही टीमें लास्ट ईयर अपना फाइनल मैच खेली, तो इस साल ओपनिंग मैच भी यही दोनों टीमों के बीच होने वाला है 19 सितंबर को अबू धाबी में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतने वाली है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स, आपको क्या लगती है यही कंफर्म प्लेइंग 11 सारे मैचों में रहने वाली वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आईपीएल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।